वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल से और सक्सेस कोचिंग में। मैं आज क्लास 11 का बुक हमारा है राजनीति विज्ञान, उसी से संबंधित हमारा जो चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, हमारा संविधान क्यों बना और कैसे बना, इस पर हम जो इसका महत्वपूर्ण जो टॉपिक है बिंदु है उस पर हम विश्लेषण करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि उन तक लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स पहुँचती रहे। चलिए अब हमारा जो मुख्य बिंदु है हम उसकी ओर चलते हैं कि पहला हमारा मुख्य बिंदु है कि संविधान क्या है। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि संविधान क्या है। यदि हम संविधान जान लेंगे तो हम उसके बारे में जो हमारे और जो हमारे अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, उन सभी चीज़ों को जो समझ लेंगे और उसके बाद हम अपने अधिकारों से भी हम वंचित होने से बच जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान का यहाँ पर कई पॉइंट दिए गए हैं। किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी सत्ता शासित होती है। या दूसरा दिया हुआ, संविधान किसी राज्य की सरकारों के तीनों प्रमुख अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। तीसरा पॉइंट हमारा दिया गया है कि संविधान सरकारों के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है तथा साथ ही उनके कर्तव्य की सीमा भी निर्धारित करता है। चौथा पॉइंट हमारा है, संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों तथा उनका जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। संविधान जनता के विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है तथा अराजकता को रोकता है। अब हम जानते हैं कि आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, आखिर किसी देश को चलाने के लिए संविधान क्यों चाहिए। तो संविधान की आवश्यकता कई कारणों से होती है, इनको जान लेना ही बेहतर है कि आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है, समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है। संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, संविधान यह बात तय करता है। संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उनकी शक्तियों एवं सीमाओं को तय करता है। यह एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जरूरी है। अगला पॉइंट हमारा दिया हुआ है कि संविधान सभा का निर्माण क्यों किया गया था, इसके पीछे क्या कारण थी। तो जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी की स्थापना, नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला। वायसराय लॉर्ड वेवल ने इसकी पुष्टि की। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 थी निर्धारित की, जिसमें से 292 ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन, 11 प्रांतों से 4 प्रतिनिधि, चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों अजमेर, दिल्ली, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में
स्थान दिए गए, 10 लाख लोगों पर एक स्थान। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान सिख एवं सामान्य में उसकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य संख्या 299 रह गई। संविधान, सरकार समूह, न्यायालय एवं अन्य संगठनों के बीच सामंजस्य तालमेल विश्वास बिठाता है। सैद्धांतिक रूप से कार्य निर्णय का माध्यम शक्तियों पर प्रतिबंध व आकांक्षाओं तथा लक्ष्यों को पूरा करना इसका उद्देश्य है। अराजकता को रोकता है। संविधान राष्ट्र व शासन प्रणाली का आईना है। जैसे प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्पण है। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट योजना अनुसार सभा में 389 सदस्य थे। 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के प्रारूप में, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के प्रांतों में और 93 भारतीय रियासतों के थे। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिए जाएंगे। 10 लाख लोगों पर एक सीट मिलने का स्थान निर्धारित किया गया। प्रत्येक सीट या प्रत्येक प्रांत के सीटों की संख्या 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान सिख व सामान्य में उसकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उसकी विचार विमर्श से तय किया गया। जुलाई 1946 को संविधान सभा के चुनाव करवाए गए, जिसमें मुसलमानों को 73 सीट, कांग्रेस को 199 स्थान, निर्दलीय 11 तथा सिखों के 21 प्रतिनिधित्व निर्वाचित हुए। 3 जून 1947 को योजना अनुसार भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या 299 रख गई। संविधान सभा का प्रारूप, तो संविधान सभा का प्रारूप जो गठित किया गया उसको भी हम जान लेते हैं। संविधान सभा का गठन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। मुस्लिम ने मुस्लिम को चुना, सिख ने सिख को चुना। अन्य प्रांतों या संप्रदायों व सामान्य वर्ग भी शामिल थे। संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया। संविधान सभा में कांग्रेस की प्रमुखता थी तथा विरोधी दल के सदस्यों की संख्या नाम मात्र थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा के का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तथा प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचित किए गए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया। स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 सूचियाँ थी। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान स्वीकार कर लिया गया। इसके बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। विभिन्न मुद्दों के लिए इसकी 8 कमेटियां बनी थी। संविधान सभा ने भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था तथा संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। संविधान का स्रोत,
तो भारत का संविधान जो बनाया गया है उनको कहाँ कहाँ से अडॉप्ट किया गया, कहाँ कहाँ से कौन कौन से चीज़ों को भारत के संविधान में निहित किया गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1935 का भारत का संविधान, अन्य देशों की सैद्धांतिक प्रणाली, 1928 की नेहरू रिपोर्ट जिसमें संघ सरकार की स्थापना की जाए, केंद्र शक्तिशाली हो इत्यादि, क्योंकि नेहरू ने 1935 में ही भारत के एक संविधान को बनाकर रेडी कर लिया था। दूसरा है ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत भारत का संसदीय स्वरूप होगा, संवैधानिक संविधान को आधार माना जाएगा और उसके आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे। कानून के अनुसार शासन विचार विमर्श करने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। विधायिका का अध्यक्ष पद की भूमिका, अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाएगा विधायिका के लिए और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी और कानून बन निर्माण की विधि भी उन्हीं की होगी। अगला जो दिया गया अमेरिका का संविधान, तो मौलिक अधिकारों की सूची और न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र शक्तियों की स्वतंत्रता, ये सारे जो पॉइंट हैं हमारे ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला जो पॉइंट है आयरलैंड का संविधान, तो आयरलैंड का जो संविधान है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व और उसके सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का भावना को बढ़ावा देने के लिए इनके मुख्य बिंदुओं को समाहित किया गया है भारतीय संविधान में। कनाडा का संविधान, कनाडा का संविधान एक अर्ध संघात्मक संविधान का रूप है। उसके अनुसार भारत में जो जिस केंद्रीय शक्ति बनाई जाएगी, जो सरकार बनाई जाएगी, वो एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप होगी। उसमें अविशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत होगा। भारतीय संविधान का प्रावधान भारत की विशेष परिस्थितियों व आशाओं के अनुरूप है। तो ये कुछ बिंदु थे जो भारत की जो संसदीय प्रणाली है या संविधान है उसकी व्याख्या करती है और हमें अपने संविधान के जो मूल बिंदुओं हैं उससे हमें अवगत कराती है, ताकि यदि हम अपने संविधान को अगर बेहतरीन ढंग से सही तरह से हम समझ लेते हैं तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसका हनन होने से बच जाए। तो जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि उन तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुँचती रहें। धन्यवाद।